कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी खबर। ब्रेन ट्यूमर के मरीजों के लिए जदीद इलाज अब लाहौर में भी मुमकिन होगा। जनरल अस्पताल में मरीज को बेहोश और किसी अज़ा को नाकारा किए बगैर 50 साल शहरी का कामयाब ऑपरेशन। न्यूरोसर्जन प्रोफेसर रिजवान मसूद भट्ट और उनकी टीम बिलाल चौधरी के हमरा मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस लाहौर जनरल हॉस्पिटल के शुबा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में मौजूद हूं और यहां पे कैंसर के ब्रेन ट्यूमर के इलाज मुआलजे के लिए यहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया है और आज यहां पे अपनी नवीयत का पहला कैंसर के ब्रेन ट्यूमर का कामयाब ऑपरेट भी कर लिया गया है। इसकी जो खासियत है वो ये है कि इससे पहले कैंसर के जो ब्रेन ट्यूमर के जो ऑपरेट किए जाते थे वो उनको जो है बेहोश करके किया जाता था और उसके बिना पे कई अफराद आफ्टर ऑपरेशन वो मजदूर हो जाते थे, उनके जो डिफरेंट ऑर्गन्स थे वो काम नहीं करते थे, जैसे कि बाजू टांग का काम ना करना। लेकिन ये जो खासियत है ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में शुरू की गई है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में की गई है और आज यहाँ पे दिलावर नामी मरीज था 40 साल जिनका आज कैंसर के ब्रेन ट्यूमर का ये आज कामयाब ऑपरेट किया गया है और ड्यूरिंग ऑपरेट वो होश में भी थे और अपने होश हवास में भी थे, बात भी कर रहे थे। और इस कामयाब ऑपरेशन के हवाले से हम बात करेंगे इस डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं एचओडी प्रोफेसर रिजवान मसूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो रिजवान साहब मुझे बताइएगा कि आज इस तरह के ऑपरेट पहले हम सुनते थे कि अमेरिका में होते हैं, आज पाकिस्तान में भी इस किस्म के जो ऑपरेट है वो होना शुरू हो गए हैं, इस कामयाबी पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ब्रेन कैंसर के मरीज़ का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ऑपरेशन के बाद उसको फालिज हो चुका होता है या उसकी ज़बान बंद हो चुकी होती है और वो ड्यूरिंग सर्जरी सर्जन को पता भी नहीं चलता कि ऑपरेशन के बाद ये हो जाएगा। तो उसके बचने के लिए सारी दुनिया में जो डेवलप मुल्क हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, उन्होंने ये तरीका बनाया कि मरीज़ को बेहोश करके फिर उसको बेहोशी से निकाल के फिर उसका ऑपरेशन किया जाए होश के दौरान और उसकी टांगें, बाजू, ज़बान सारा कुछ चेक किया जाए और ताकि कंफर्म रहे कि उसको फालिज नहीं हो रहा और उसके बाद फिर उसको ऑपरेशन को फिनिश किया जाए। तो ये काम ऑपरेशन करना भी मुश्किल है और इसका जो बेहोशी का सिस्टम है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमारे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की बहुत मेहरबानी है। जैसा कि आपने सुना कि एक डॉक्टर्स की पूरी टीम ने जो आज ये कामयाब सर्जरी की है, जो कि हम सुनते हैं कि एडवांस कंट्रीज़ में इस तरह के ऑपरेट किए जाते हैं और आज अब पाकिस्तान में भी कामयाब इस तरह के जो ऑपरेट हैं कैंसर ब्रेन ट्यूमर के वो होना शुरू हो गए। ये एक महंगा इलाज है, अगर प्राइवेटली करवाएँ तो 10 से 12 लाख रुपये इसका खर्चा आता है, लेकिन पिम्स पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस में ये ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल मुफ्त सहूलियात गरीब मरीजों को फ्राहम की जा रही हैं और इनका ये मकसद है कि कैंसर के ब्रेन ट्यूमर के जो मरीज़ है उनका कामयाब इलाज करके कर दिया जाए ताकि मरीज़ जो है वो शुक्रिया बिलाल आपका।